आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद दी है। ओम शांति। देखो आप सभी कितना अच्छा आपकी मन में भी एकाग्रता आ गई, नहीं तो फटाफट गर्दन ऐसे ही रखना है। जब तन की एकाग्रता हो जाएगा आपके मन की एकाग्रता की संपूर्ण प्राप्ति आपको होने लगेगी। तो हम आज कुछ खास अनुभव करने के लिए बैठे हैं। कल शाम तक मैं आपको गारंटी देता हूँ, पिछले बार जिन्होंने भर्ती किया था जरा हाथ उठाओ। वाह, सबको याद है, फरिश्ता याद है, पहला फरिश्ता कहाँ है? हाँ बहुत अच्छा। दूसरा, भले चार पांच लोग बोलो बोलो। तीसरा, तीसरा एक्शन, इनको एक्शन खास सिखाया गया। देखो देखो बच्चे कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, देखो बताएं बड़े ध्यान से। एक बार सभी बोलो ओम शांति। अभी हमने गाना सुना बाबा मेरे, मैं पूछूंगा जिन्होंने भट्टी किया वो नहीं बताएंगे, जो नए नए आत्माएं हैं वो बताएंगे बाबा मेरे साथ है कहाँ है। ध्रुपुटी में देखो, ध्रुपुटी में। अरे जो किए हैं वो नहीं बताएंगे, जो नए आत्माएं, बाबा कहाँ है मेरे साथ। देखो बहुत अच्छा। देखो हर जगह हम पूछते हैं ना, कोई कहता है बाबा मेरे दिल में है, कहाँ है? दिल में। कहाँ है? कंधे पर है। कहाँ है? पीछे है। कोई कहता है मेरी आत्मा में बाबा समाया हुआ है, ऐसा मैं आत्मा सो परमात्मा। तो अभी हमें बाबा को याद करने से हमें शक्तियां मिलेगी। जो पहला लाइन में बोला था आपको याद रखना चाहिए कि शरीर का स्वास्थ्य, तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, धन का स्वास्थ्य, धन की कमी है, संबंधों की कमी है, क्योंकि यहाँ जब आप संपन्नता का संस्कार भरोगे तब सत्यिक में आपको वो संपन्नता की परिवार मिलेगा। अगर यहाँ खालीपन हुआ तो कहाँ मिलेगा नेक्स्ट जन्म में खालीपन? तो बाबा कहता है यहाँ आपको भरपूर होके जाना है। तो सबसे पहले जितना समय हम यहाँ बैठेंगे सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हो सकती है? हाँ हो सकती है भाई, मुस्कुराहट हो सकती है सबके चेहरे पे? कोई कोई कह रहे हाँ जी हो सकता है, कोई कोई तो अच्छे मुस्कुरा रहे हैं, कोई कोई कह रहे, लेकिन सबको मुस्कुराना है, थोड़ी सी होठ को इतना आगे बढ़ाना है, कितना कर लो, हाथ लगा लो, ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा एक एक्सरसाइज करते हैं, बोलो सभी हाथ उठाओ, सभी माताएं हाथ उठाओ, भाई लोग बहुत अच्छा, भाई लोग एक्सपर्ट। मैं महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। थोड़ा मेरे हाथ के एक्शन को देखना, ट्रेनिंग चले वैसे करना, क्योंकि जैसे बंदूक उठाता ना कमांडो वैसे उठाना तो फायदा होगा। हाँ मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आपको तकलीफ हो रही क्या? तो मुस्कुराहट क्यों नहीं है? हाँ मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, और नीचे नीचे हाँ इधर मैं बोलो, मैं मुस्कुराती हुई आत्मा हूँ। इसका अर्थ मैं बताऊंगा, उतारो नहीं, हाथ में ऊपर बोलो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह बीस इक्कीस। माता जी हंस रही है, चलो बहुत अच्छा, लेकिन 21 जन्म के लिए 21 बार की रोज अभ्यास करना। एक बार मैं गया थाईलैंड, वैसे तो 5 बार जा चुका हूँ, लेकिन एक बार जब गया ना बहुत दर्द हो रहा था हाथ में, तो एक भाई आया मसाज किया ठीक हो गया। क्यों? आपको भी कभी दर्द हुआ होगा, लेकिन जब दर्द होता है क्या करते हैं बोलो ना? मसाज करते हैं। क्यों? वहां की ब्लड जो है ना रुक गया, और 63 जन्म से हमने रोने की अभ्यास किया। आप सब सती में थे कोई कोई ऐसे करते हैं, हम सती में थे। हाँ जी बोल रहा ना, सिर्फ हाँ जी बोल, सती में थे, सती में 2500 साल 21 जन्म, चेहरा कैसा था?
ऐसे था या नहीं, लेकिन द्वापर में आने के बाद रोना शुरू हुआ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा जितने सारी विकार हमने एक्शन के द्वारा हमने अपने चेहरे पे प्रकट किया, जो हमारी संस्कार बन गया। अच्छा, द्वापर में माताओं में से राजा कौन थे जरा फटाफट उठाओ ना। हाँ, बहुत अच्छा। भाइयों में से रानी कौन थे जरा हाथ उठाओ। हाँ देखो, रानी भी बहुत बैठे। अच्छा, द्वापर में हम सब, अच्छा माताओं में से रानी कौन थे जरा हाथ उठाओ। राजा रानी सब यहाँ बैठे हैं, मतलब खूब पाप किया है भाई। द्वापर में राजा रानियों ने क्या किया? इसकी राज्य पर आक्रमण, उसकी राज्य पर आक्रमण, हाँ या ना। युद्ध चलता रहा और जितनी युद्ध किया राजा रानी जिन्होंने ऑर्डर दिया उनके ऊपर ज्यादा पाप चढ़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, बाबा कहता है सबसे ज्यादा पापी आत्मा ब्रह्मा बाबा और सबसे ज्यादा पुण्य आत्मा क्योंकि बाबा ने पाप कर्म नहीं किया, लेकिन जो कर्म को फॉलो किया ना वो पाप की बोझा चढ़ गया। तो आज हम आत्माओं की भी वही हालत है। 2500 साल हमारी चेहरा मुस्कुराहट थी, लेकिन द्वापर में जैसे आए पांच विकारों का एक्शन करना शुरू कर दिया। काम विकार, क्रोध विकार, गुस्सा आता है सबको? हाँ जी बोलो। गुस्सा आता है? अच्छा, गुस्सा ऐसे तो नहीं करते हो? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तो ना पिटाई कर दूंगा, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ, ऐसे बोलते हो या ऐसे हो तो मुर्गो? हाँ, पूरा शरीर ऐसे कंपने लगता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, एक्शन होता है या नहीं? तो द्वापर में भी हमने जो लड़ाई किया है, जैसे एक राजा दूसरे राजा को मारता है ना। हाँ जी, तो बोलो भाई ठीक से। हाँ जी बोलो, नहीं सुनेगा। हाँ यस है। तो एक राजा दूसरे राजा को कैसे मारता था? अच्छा राजा, तुम आओ मेरे पास, देखा पेड़ दिखाओ, ये मेरी तलवार है, लो धीरे से। ऐसा क्या करता था? तो वो जो द्वापर से हमने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का एक्शन किया, आज उसका डिग्री लेके बैठे हुए हैं। और पापा 80 साल से बोल रहे हैं मीठे बच्चे मुस्कुराओ, मीठे बच्चे बोलो ना, मीठे बच्चे। लेकिन हमने तो रावण की डिग्री सर्टिफिकेट जो आए से बड़ी मुस्कुरा रही है। 30 मार्च की मुरली पढ़ना, ये 2018 30 मार्च की मुर्ची। बाबा ने कहा कितने भी आपके अंदर ज्ञान हो, चाहे 80 साल से आप चल रहे हो या 70 सालों से बाबा के ज्ञान को सुन रहे हो, लेकिन अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई तो ज्ञान कोई काम का नहीं। आपके मन में कितना पॉजिटिव संकल्प चले लेकिन चेहरे पे मुस्कान एक्शन नहीं आया। तो इसीलिए आज की भट्टी में जब तक शाम तक आप संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा जैसे संपूर्ण ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। अगर आप फरिश्ता बनना चाहते हो तो आपको दिन भर मुस्कुराना है, हो सकता है? हम तो पूरा मुस्कुराने के लिए तैयार है। अभी देखो, मैंने योग के बारे में बोला था, जब भी हम योग करने के लिए बैठते हैं आप देखना चेहरा कैसे बिगड़ जाता है। मैं तपस्या धाम जाता हूँ खास करके गाना लिखने के लिए। जब मैं योग करने के लिए बैठता हूँ एक गाना लिखा, सुना होगा, मुस्कान आपकी बाबा जन्मों की गम। बाबा की मुस्कान जन्मों की गम हर लेता है और हम बैठे हैं, चलेगा? अगर ये पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है ये पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है? क्योंकि पावर से कनेक्शन है। ये माइक चल रहा है, ये साउंड चल रहा है, कैमरा चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि पावर से। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो हमारा कनेक्शन किससे है? कौन सी बाबा? वो कौन है? सुख का सागर बोलो, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। ये लग रहा है क्या का सागर से कनेक्शन है? शांति का सागर से कनेक्शन है, आनंद के सागर से कनेक्शन है। कनेक्शन अगर सचमुच है तो हमारे चेहरे पे समय आ चुका है भगवान की प्रत्यक्ष होना, लेकिन चेहरे बदल नहीं रहा है अभी तक। मैंने मार्केट में लेके आया बहुत अच्छा परफ्यूम,
कपड़े में जैसे लग के घुमाना, 10 लोग पूछने लगे, रमेश भाई कौन सी परफ्यूम लगाया? ऐसे आपका नहीं होता होगा, होता या नहीं? जब ऐसे कोई खुशबूदार परफ्यूम या कपड़े नए पहनते हो, लोग पूछते या नहीं, ये गाड़ी कहां से लाया? इतनी नई गाड़ी, टेक्नोलॉजी आप तो मैंने देखा नहीं था भारत के अंदर, आपके पास कहां से आ गया? हाँ या ना? पेपर में, न्यूज में, टीवी चैनल में चारों तरफ आने लगता है, लेकिन हमारे साथ कौन है? बोलो बोलो, मुस्कुरा के बोलो, कौन है? किसी को पता चल रहा है? किसी को पता चल रहा है कि धरती पे भगवान आ चुका है और इन माताओं की भाई बहनों के साथ है? किसी को पता चल रहा है? अरे बाबा की जय जय का सबको दिखाना है। अगर आप कोई परफ्यूम लगा दिया, दूसरों को खुशबू आती है, अगरबत्ती लेके चलोगे दूसरों को खुशबू आएगी? बाबा आपके साथ है, दूसरों को क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि वो गहरा, वो एहसास अनुभव अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए फिर से दोबारा जिन्होंने भर्ती किया होगा उनको बहुत ज्यादा सफलता मिली होगी जरूर। पिछले बार की ट्रेनिंग और इस बार की ट्रेनिंग और पावरफुल बनाने के लिए ये भर्ती चल रही है, तो थोड़ी सी मुस्कुरा के आप इसको ट्रेनिंग का आनंद लो। नहीं हो रहा है कभी? कई जगह जाता हूँ, किसी की मुस्कुराहट आती नहीं है, कितना भी बोल लो मुस्कुराओ मुस्कुराओ, नहीं होता है। मैंने कहा कि एक्सरसाइज करो। 6-6 महीने से कई भाई डिप्रेशन में गए, लाखों करोड़पति के जमींदार हैं, लेकिन आज डिप्रेशन में गए। मैंने उनको छोटा सा यही एक्सरसाइज कराया, लेकिन 5 मिनट के बाद जो चेहरे में 6 महीने से मुस्कुरा नहीं रहे थे, 5 मिनट के बाद ऐसे करने लगे थे। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन चालू होने लग गया है। अच्छा, आप सभी सत्संग में जाना चाहते हो? हाँ जी, सिर्फ हाँ जी बोलो, गर्दन नहीं। अच्छा, आप देखो जब भी टीवी देखते हो, टीवी में अगर साउंड आता है और पिक्चर आता है, साउंड नहीं आता है, मजा आएगा? हाँ या ना? और साउंड आ रहा है, पिक्चर नहीं आ रहा है, मजा आएगा? तो हम इस सृष्टि पर रंगमंच पर पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, साउंड और एक्शन दोनों चाहिए। हाँ या ना? एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहा था, एक स्कूल में क्या बोला, कैसे पढ़ा रहा था मैं बताता हूँ, आप देखा से। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ओनली एक्शन, अगर इसके साथ साउंड हो जाएगा, और सिर्फ अगर साउंड होगा और एक्शन नहीं होगा तभी मजा नहीं आएगा, दोनों चाहिए। शाम के समय जब इतना बड़ा चांद धीरे धीरे उतर रहा था, पंछियां उड़ के जा रहे थे, सागर की लहरें ऐसा लहर रहे थे, क्या दृश्य था। समझ में आ गया? एक्शन के साथ साउंड होने से मन में संस्कार बनते हैं, क्योंकि काम विकार, क्रोध विकार, ईर्ष्या विकार, नफरत, घृणा, जितने भी 63 जन्म से हमने किया है, मन में सोच सोच के किया है या कर्मों में आके किया है? कर्मों में आए। बाबा कहते हैं मन में सोच आने से वो विकर्म नहीं बनेगा, लेकिन कर्मों में आ गए तो। द्रौपदी ने मन मन में सोचा था दुर्योधन बहुत, ऐसे बोला था, मुझे आवाज आई थी कि। तो जो भी हम संकल्प बोल के साथ, एक्शन के साथ करते हैं, वो हमारी संस्कार बनता है। और 63 जन्म, 2500 साल द्वापर से लेके अब तक हमने कर्म कर करके, कर्म कर करके, कौन से कर्म? नेगेटिव कर्म कर करके, देहवान में कर्म कर करके आज ये हालत लेके बैठे हुए हैं, चेहरा मुरझा हुआ है। बोलो भाई साहब, हम तो मुस्कुराने में थोड़ा मुस्कुरा माता है। हाँ बहुत अच्छा, बाबा कहता ना मेरे बगीचे के कौन हो? हाँ फूल है। कौन सा मुरझा हुआ? तो खिला हुआ ऐसा रहेगा या ऐसे रहेगा? नॉर्मल भी नहीं, नॉर्मल तो दुनिया वाले रहते हैं या उससे दुखी रहते हैं। बाबा के बच्चे 24 घंटे हर मुरली में बाबा ने बोला कि इनके चेहरे में 24 घंटे मेरे मीठे बच्चे 24 घंटे मुस्कुराओ, निरंतर चेहरे पे हर्षित मुक्ता होना चाहिए, खुशनुमा चेहरा होना चाहिए। हाँ या ना? सिर्फ वोट को इतना कर लो, ये पहला काम है। कल सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप एक्सरसाइज कर लेना, दिन भर अपने आप को ध्यान धीरे धीरे याद आने लगेगा कि मुझे भी मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि 2500 साल मेरे सर्टिफिकेट था,
कौनसी वाली? देवी देवता वाली सर्टिफिकेट था, लेकिन अभी कौन सी सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं हम? रावण की। जो ऐसे करता चेहरा, उसका चेहरा क्या हो गया? तो कौन सी सर्टिफिकेट लेना है, राम की या रावण की? पक्का? तीन बार बोलना, पक्का 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 पक्का। देखो हम सभी योग लगाते हैं, बुद्धि परम धाम में जाती है लेकिन इधर उधर लटक जाती है, हाँ या ना? लेकिन हम सभी अभी योग लगाएंगे, एक एक्शन सीखेंगे, क्योंकि जब फरिश्ता बनने से पहले आप अगर सब्जी बनाने के लिए बैठे हो, क्या कढ़ाई के पास बैठने से सब्जी बन जाएगा? हाँ? आप साल भर पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं किया, लेकिन एग्जाम पेपर में बैठ गए, एग्जाम लिख सकते हो? क्या करना पड़ेगा? तैयारी करना पड़ता है। पहले सब्जी लाओ, हल्दी मसाला, हाँ, नमक सब, कढ़ाई पर गर्म पानी सब रख के, फिर उसके बाद बोलो ना, बनाते हैं। तो अभी फरिश्ता स्वरूप हमें बनाना है, ब्राह्मण सो बोलो ना, माते थोड़ा बोलो, अभी जल्दी पूरा करेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो। तो फरिश्ता जब तक नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण सो बोलो 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 बोलने बहने कैसे पानी लेके गई वो देख रहे हो। देखो ये मेरे पास तीन सोफा है, एक दादी बैठी है, एक मैं बैठा हूँ, ये बैठा है, खाली बैठा है। तो मैं इसमें से उठ के इसमें बैठ सकता हूँ या नहीं? कोई कैसे कैसे करना नहीं ला रहे, हाँ जी, तो बोल दो, भले एक्शन करो, एक्शन के साथ साउंड करोगे तभी संस्कार बनेगा। मैं इस सोफा से उठ के इसमें बैठ सकता हूँ या नहीं? इसमें से उठ के उसमें बैठ सकता हूँ या नहीं? जब मेरा कोई सोफा पे अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी मैं बैठ सकता हूँ, और जब चाहिए उठ सकता हूँ। मैंने 84 जन्म में कितना कुर्सियां बदली, ये शरीर रूपी कितना कुर्सी बदली, कितना वस्त्र बदला, अभी कौन सा वस्त्र है? नहीं, कौन सा ब्राह्मण रूपी वस्त्र है? कौन सा? सभी बोलो, ब्राह्मण से आत्मा निकलेगी तो कहां जाएगी? फरिश्ता से निकलेगी तो कहां जाएगी? तो ये ब्राह्मण शरीर है, ये फरिश्ता शरीर है, ये देवता शरीर है, हाँ या ना? हाँ जी बोलो। देखो ये एक सोफा है, ये एक सोफा है, ये एक सोफा है। जैसे आप देखेंगे किसी किसी घर में तीन तीन गाड़ियां होगी, एक लाल गाड़ी, एक पीला गाड़ी, एक सफेद गाड़ी, वो कोई भी गाड़ी में बैठ के चला सकता है। तो मैं भी कोई भी गाड़ी में बैठ के चला सकता हूं। तो ये कौन सी गाड़ी है बोलो? तो माता जी बोल नहीं से बोलो ना, कौन सी? ब्राह्मण से आत्मा निकली कहां बैठेगी? अच्छा, ये ब्राह्मण शरीर अलग है, फरिश्ता शरीर अलग है, देवता शरीर अलग है, या यही ब्राह्मण यही फरिश्ता यही देवता? हाँ, देखो माता जी कह रही है यही ब्राह्मण यही फरिश्ता यही देवता। अभी हमने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये सोफा अलग है, ये सोफा अलग है, 84 जन्म में 84 शरीर मिला, देवता शरीर अलग है, राजा की शरीर अलग है, अधिकारी का शरीर अलग है, सन्यासी का शरीर अलग है, ये अलग है, वो अलग है, अभी कौन सी शरीर है? ब्राह्मण से आत्मा निकले कौन सी शरीर में जाएगी? तो ये फरिश्ता रूपी शरीर अलग है या यही है? मतलब आपके कहना मतलब यही की ब्राह्मण है, यही शरीर है, यही फरिश्ता है, यही देवता बनेगा? नहीं, आप कल तक संपूर्ण समझ जाएंगे कि ब्राह्मण क्या होता है, ये अपना पवित्र शरीर जो हम बना रहे हैं, और जो फरिश्ता स्वरूप जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाया, आपने कई गाने में सुना होगा कि बन के फरिश्ता उड़ चले सूक्ष्म तन, फरिश्ता रूप रचकर उड़ चले सूक्ष्म तन, रचकर माना ये तो नहीं है ना भाई, मैंने नया घर बनाया तो क्या ये पुराने घर को नया घर बनाएंगे? तो ये पुराना शरीर ब्राह्मण रूपी शरीर है, बोलो मेरा, मेरा ब्राह्मण शरीर है, मैं फिर फरिश्ता रूपी शरीर धारण करूंगी। तो ये फरिश्ता रूपी शरीर अपने आप आ जाएगा या मैं बनाऊंगा या बाबा देगा ऊपर से? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया,
धरती पर मधुवन में रहते हुए तपस्या करते हुए सूक्ष्म वतन में नया स्वरूप बनाया। और दादी जी जब देख के आए बाबा को बोले, बाबा आपका तो संपूर्ण शरीर बहुत सुंदर खूबसूरत प्रकाशवान है। अच्छा थोड़ा और देख के आओ, अभी कैसा है? फिर दो दिन के बाद अभी कैसा है? जब आप घर बनाने लगते हो, लेबर लोग काम कर रहे हैं, आपकी संकल्प शक्ति काम कर रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए बार बार जाना पड़ता है घर कंप्लीट हुआ या नहीं। हाँ या ना? तो ये फरिश्ता स्वरूप भट्टी में हम नया स्वरूप जैसे ब्रह्मा बाबा ने बनाया, वैसे हम बच्चों को नया फरिश्ता स्वरूप बनाने की टेक्निक सीखेंगे। तैयार हो? मुस्कुराते हैं। तैयार हो? तैयार हो? बहुत अच्छा। तो सबसे पहले फरिश्ता बनाने से पहले, जैसे आप घर बनाते हो, कोई प्रोग्राम करते हो, तो सबसे पहले आप देखते हो हमारे पास कितनी धन की शक्ति है। हाँ या ना? पुराने घर में रहते हो, अगर आपको नया घर बनाना है तो आप क्या सोचते हो? सबसे पहले मेरे पास कैपेसिटी कितना है, कितनी शक्ति है। तो आत्मा के अंदर जितनी शक्ति होगी, वो शक्ति संकल्प शक्ति से वो सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर सकता है। तो वो शक्ति कैसे आएगी? परमात्मा को याद करने से। कैसे? और सबके लिए, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो दादी दीदियों ने किया, जो हम भी कर रहे हैं, जो आप भी कर रहे हो, आने वाली आत्माएं वही करेंगे, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को, बोलो, अपने को आत्मा समझ के, अपने को आत्मा समझ के, भूख लगी क्या? तो मुस्कुरा लो, अपने को, भाई कोई बात नहीं, भूख भी लगे, तकलीफ हो, थोड़ा सा मुस्कुरा लो, उसमें क्या है, एक्टिंग ट्रेनिंग कर रहे हो ना। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, ये अभी